आपके साथ हम लेके आ रहे हैं स्टैंडर्ड 10 की एक खूबसूरत सी चोरी, एक चैप्टर का नाम है, जिसमें बताना चाहते हैं कि जीवन के अंदर मानवता की क्या अहमियत है। हम लोग फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप, इंस्टा और स्नैपचैट पे बहुत सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लाइक करते हैं, कमेंट्स देते हैं, पर क्या हम कर पाते ये सारी चीज़ें? समाज के अंदर आज भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाहती है कि उसके अंदर हम बदलाव लाएं, हम उसको परिवर्तन करें, और परिवर्तन सिर्फ बाहर आके चौराहे पे आके चिल्लाने से परिवर्तन नहीं आता है, परिवर्तन आता है हमारा आत्म सुधारणा करने से। कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ स्त्री और महिला ही ज़्यादातर अच्छी तरह से समझते हैं, वो तो कभी कभी लेखक भी नहीं समझ पाते हैं, और ऐसी कुछ बात हम स्टैंडर्ड 10 के साथ आज आपके साथ हिंदी के माध्यम से बताना चाहते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है यशपाल जी जैन के ऊपर। लेखक का नाम है यशपाल जैन, जन्म उसका हुआ है अलीगढ़ के अंदर, वहाँ पर आया हुआ विजयगढ़ कस्बे के अंदर उसका जन्म हुआ। बचपन से काफ़ी सारे अच्छे उसने चैप्टर्स लिखे, काफ़ी अच्छी किताबें लिखी, पुस्तकें लिखी, और वही कारण है कि बाल साहित्य के अंदर उसका लेखन सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा रहा। 1990 के अंदर भारत सरकार के द्वारा सबसे प्रतिष्ठित, सबसे अच्छा पुरस्कार पद्मश्री से इसे सम्मानित भी किया गया है। उसके काफ़ी अच्छी ख्यातनाम कृतियों के अंदर है अजंता एलोरा, अहिंसा, और तीसरी है भारत के यात्री। नौकर और परिवार, घर में चोरी हुई, घर में परेशानी हुई, तो इसके जिम्मेदार ज़्यादातर नौकर होता है। पूरा परिवार एकजुट होकर नौकर को शक की निगाह से देखते हैं। बस यही एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला टॉपिक लेकर यशपाल जी आज हमें बता रहे हैं कि आत्मिक व्यवहार क्या होता है और रिश्ता क्या होता है, रिश्ते का अंत किस तरह से होता है। कभी कभी कुछ एहसास ऐसा होता है कि अगर आप मंदिर के किनारे खड़े हो और अगरबत्ती का एक छोटा सा धुआं आपके आँख में लग जाए, वो कभी कभी आँखों में आंसू तो नहीं लाते हैं पर एहसास ज़रूर कराते हैं। बस ऐसा ही कुछ एहसास कराते हैं इस चैप्टर नंबर 16 चोरी, स्टैंडर्ड 10th हिंदी, इसके अंदर बताते हैं यशपाल जी। कुछ बात इस तरह से कि हमारे समाज के अंदर आज भी कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो गूगल पे मिल जाते हैं। ये फोटोग्राफ जो आपके सामने है वो एक लेबर का है, बच्चा है जो मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई को पाल रहा था, परंतु ठंड के कारण से उसको एक कंबल भी नहीं मिली, और वो बच्चा जब मर जाता है किसी फोटोग्राफ ने उसको क्लिक किया, फोटोग्राफी में दिया, तो वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन फोटोग्राफी के लिए इसको अवॉर्ड मिला। फ़र्क इतना था, फोटोग्राफर को सब कुछ मिला, बस वो मरने वाले बच्चे को कुछ ना मिला। सो स्टॉप चाइल्ड लेबर, हम इस बात को ध्यान में रखकर आज का ये चैप्टर आपके सामने रख रहे हैं, जिसके अंदर तीन कैरेक्टर है, बिंदु, मालती और तीसरा है नंदन। चैप्टर नंबर 10 चोरी। कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे हुए घर का नौकर बिंदु कमरे के अंदर साफ सफाई कर रहा था, और तभी घर की जो मालकिन थी वो बरामदे में बैठी सब कुछ ध्यान में देख रही थी। अनायास अचानक से ही उसका ध्यान बिंदु पे चला गया। उसने देखा कि बिंदु के हाथ में झाड़ू तो है पर दूसरे हाथ मट्टी से, यानी कि मुट्ठी से बंधा हुआ है कुछ पीछे, और कुछ जानबूझकर वो अपने आप को उस हाथ को आड़ में रखकर छुपा रहा था। मालती को लगा, हो ना हो, कमरे में से बिंदु ने कुछ लिया जरूर है। उसने धीरे से आवाज लगाई, बिंदु। दो कदम पर बिंदु उसे मानो मालती की आवाज सुनी ही ना हो, वो चला ही गया। बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार बिंदु की चाल से कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। गुस्से में आकर उसे कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? बस इतनी आवाज सुनकर वो बिंदु दौड़ने लगा, और वो गया। और मालती के दिमाग के अंदर संदेह आया। संदेह की पुष्टि करने के लिए वह काफी नहीं था कि बस उसको देखे। उसने तेजी के साथ उसे और कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी इधर आओ।
यहाँ पर मालती के हस्बैंड है नंदन जी। बिंदु तो उसकी बात सुन नहीं पाया, आखिरकार सारा गुस्सा मालती ने अपने पति देव पे निकाला। नंदन जो कि अपने कमरे में बैठे थे कुछ पत्र लिख रहे थे। मालती का तो चिल्लाना उससे अच्छा ही नहीं लगा, उसने चाहा कि टाल दे पर मालती माने तब ना। एक सपाटे से वह कमरे में आई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में कुछ दबाए ले गया है। नंदन ने कलम एक और रखी और जैसे किसी जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वो उठे, कमरे से बाहर आया। वो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है, एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में रित्ता और नीचे लटका हुआ है। उसे देखकर मालती ने उबल पड़ी, क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं, बोल हाथ में क्या ले गया था। बिंदु का चेहरा एकदम फक हो गया और धीरे से बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का, क्यों रे तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं। मालती ने रोषपूर्ण इस तरह से बिंदु को डांट दिया। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था, कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा और धीरे से बिंदु को समझाने की कोशिश किया, घबराओ नहीं बेटा, सच बता दो कि क्या लेके गए थे तुम। बिंदु ने धीरे से उसका जवाब दिया, सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था और कुछ नहीं था। फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर वही झूठ मालती ने चिल्ला कर और बोल दिया, इसे पुलिस में दे दो, लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर पर घर छोड़ा छोड़ रखा है तो इसीलिए की चीज उठा उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। नंदन ने मालती को शांत करने की काफी कोशिश की और बता भी दिया, असली बात जानने तक ये तरीका नहीं होता है। फिर बिंदु को उसे प्यार से भी समझाने की कोशिश की कि वो माने कि तुमसे कुछ कहूँगा नहीं, ठीक ठीक बताओ कि क्या लेके गए थे। किंतु बिंदु घबरा गया था, खोया सा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। धरती की ओर देखता रहा। नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसे इतना ही कहा कि बाबूजी मैंने कुछ नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं किया है। नंदन फिर भी सीखा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूँ तू कूड़ा कहाँ फेंक के आए, ये तो मुझे बता जरा। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतरम मुड़कर चुपचाप से आगे हो गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी जहाँ पर उसने कूड़ा फेंका था, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। नंदन ने कहा, बिंदु यो हैरान कर से क्या होगा, बता बता क्यों नहीं देता, आखिरकार लाया है तो क्या लेके आया है। बिंदु ने होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर बंद भी हो गया। हाँ कहो, रुक क्यों गए हो, नंदन ने शांत स्वर से कहा। वापस से बिंदु फिर चुप हुआ और धीरे से उसे इतना ही बोल पाया, बाबूजी। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था और आखिरकार उसने कहा, शाबाश शाबाश, कहो क्या हुआ। बाबूजी थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया हूँ। बिंदु कह तो गया पर जैसे वह अनुभव कर रहा था कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा खराब कार्य उससे ही हुआ है, दुनिया का सबसे गहरा पाप उससे ही हो गया है, ऐसा उसे लगा। तभी मालती उसे कहती है, मैं कहती थी ना कि यह कुछ ना कुछ ले जरूर आया है, देखो मेरी बात सच निकली है, मेवा का तुमने क्या किया बिंदु, खा ली इतनी जल्दी। बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो, इधर फेंक दी है। नंदन और मालती ने देखा कि इसकी बताई जगह थोड़े काजू और वहाँ पर थोड़े किशमिश भी पड़े हुए थे। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल पड़ा। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा, एक बार जो नियत बिगड़ी तो फिर हाथ रुकता है क्या।
नंदन की पत्नी ने बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु के साथ लेकर कमरे में गया और कनस्तर खोलकर उसे एक मुट्ठी मेवा उसके हाथ में दे दिया। वो बोला कि बिंदु लो इसे खा लो, घबराओ मत। पति ने इस तरह से नरमी का व्यवहार देखकर मालती और आग बबूला हो गई और बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं, उसे कुछ कहना तो दूर उल्टे उसकी खुशामत कर रहे हो। नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती चोर बिंदु नहीं है, चोर हम है। हम क्यों किसी चीजों को खाए जो इसको मिलती नहीं हो? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते, एक दिन इस बेचारे को अगर मिल जाता है तो उसमें गलत क्या है? और थोड़ा मन भी उसका चल रहा है तो देना चाहिए, थोड़ी इससे तो ली है और क्या हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हमें देना चाहिए, इस तरह से उसको परेशान नहीं करना चाहिए। मालती ने कहा, मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया है, बात मेवा की नहीं है, नियत की है। इसका जी चला तो वो मांग लेता, मैं न देती तो कहता, घर में 500 चीजें रहती है, यूं तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यही होना है, वह न करेगा तो तुम करवा दोगे। मालती इस बात से नाराज होने की राज होने ही थी। सोचने की है कि जब तक चीज़ों का सबको नहीं मिलती है, चोरी बंद नहीं हो सकती है, चोरी अच्छी नहीं है। आज की स्थिति बड़ी लाचार हो गई है। नंदन समझाते हुए बहुत सारा कोशिश किया मालती को। तभी मालती ने कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से एक ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई की ओर चल पड़ी। नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आके बैठ गया, पर उसका मन दूसरी दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसे बेचारे को समेटा और लेख करना में अपना पूरा करता रहा। लेख पूरा हुआ, काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर उठा, सीधा रसोई में जाके देखा, देखता है कि मालती सिल पर चटनी पीस रही है। नंदन ने पूछा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानू, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया तुमने? निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है? तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ गया। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं है। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आंख बच गई तो काका के यहाँ से गेहूं ले ही गया था ना वो। नंदन जानता है कि बहस का कोई अंत नहीं होता है। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद भोजन किया और भोजन के बाद जब दोपहर बीती तो शाम के समय उसको लगा कि शायद अब बिंदु आ गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती का मन अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना वैसा के वैसा ही पड़ा हुआ था। झूठ बोला तो आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। ऐसे सोच विचार मालती के मन में चले जा रहे हैं। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, बगीचे में एक चक्कर भी लगाया कि पेड़ के नीचे शायद सो रहा हो या सोया हो पड़ा हो। बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग में पड़ी और अपने को खुद को कोसने लगी। जरा सी बात थी, इतना बेचारे को तुल क्यों कर दिया, थोड़ी सी मेवा ही तो ले गया था, तो क्या गजब हो गया है, ऐसा मन ही मन में सोचे जा रही है। सोचते सोचते देर हो गई, वो उठी और सहन में इधर से उधर टहलने लगी। इतने में कुंदन ने वहाँ से निकला। मालती ने उत्सुकता से तुरंत ही कुंदन को पूछ लिया, कुंदन तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे हाँ, वो तो नदी वाली कोठरी में पड़ा हुआ है। मालती तत्काल ही अपने पैरों को चप्पल डालकर बाहर चल पड़ी। लौटी तो बिंदु साथ था। बाह पकड़कर नंदन के कमरे में लेके गई और बोली, देखी तुमने, इसकी बात यहाँ से गया तब से वह कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्या रे, वहाँ क्या कर रहा था तू? बिंदु चुप। मैं पूछता हूँ, वहाँ पर क्या कर रहा था तू? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं है, मुँह में जबान नहीं है क्या? बिंदु की आँखें डबडबा आई, उसकी सारी आँखें
उसके आंसू के द्वारा सारी चीजें बयां कर रही थी। मालती से रहा नहीं गया और आखिरकार मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ न खाया और भूखा प्यासा वहां पड़ा है, चल खाना खा ले। और इस तरह से नंदन कुछ कहने से पहले ही वो अपने चौके में लेके गई, स्वयं परोस कर उसे खिलाने लगी। बोली, भर पेट खा लेना, भूखा मत रहना। इस तरह से जो भाव प्रकट होता है वो अजब होता है, और वो जो बात थी वो हमें समझ में आती है। नंदन की पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आ गई। इस तरह से हमारे जीवन के आसपास भी घर के अंदर काफ़ी सारे ऐसी महिलाएं होती है जो काम वाली का स्थान लेती है, काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं, काफ़ी सारे चौकीदार, काफ़ी सारे वॉचमैन जो अपने जीवन के अंदर आज भी आंसू पी के रह रहे हैं, पर हम शायद उसकी भावना को समझते नहीं हैं। तो समझते हैं कुछ महिलाएं, कुछ औरतें। हम चाहते हैं कि ऐसे ही चाइल्ड लेबर का हम सब मिलके विरोध करें और उसको समझने की पूरी कोशिश करें। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर जो यशपाल जी के द्वारा लिखा गया था वो समझ में आया होगा। हमारी चैनल है माधव लैंग्वेज क्लासेस, जिसके अंदर स्टैंडर्ड 1 से 12 तक हिंदी, गुजराती और संस्कृत के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। हम सूरत से हैं, हमारा नाम है महेंद्र जोशी। नीचे दिए नंबर पे आशा करता हूँ आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।